सीरियल एक्सप्रेस के अगले पड़ाव पर है हर्ष और भारती के पॉपुलर रियलिटी शो द खतरा खतरा शो, जिसका आ रहा है नया सीजन और इस सीजन में होगा खतरा पहले से भी ज्यादा और होंगे कुछ नए चेहरे जैसे कि बिग बॉस रिटर्न प्रतीक सेजपाल, निशान भट्ट और वीकेंड में स्पेशल गेस्ट के साथ तड़का लगाती नजर आएंगी मल्टी टैलेंटेड फराह खान। तो क्या होगा इस बार खतरे का लेवल सुपर से भी ऊपर? हर्ष ने कहा कि थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल है क्योंकि बेबी भी आने वाला था और खतरा खतरा की डेट भी आ गई थी जिस शो का 3 साल से वेट कर रहे थे, तो हम बेबी के कारण उस शो को पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। सो मैंने बोला कि जब तक मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी शूट और जब हो जाएगा तब फिर रेस्ट करेंगे और फिर आएंगे वापस। सो होप्सो तब तक ये शो चलता रहे ताकि मैं वापस आ सकूँ, है ना हर्ष? भारती जब जाएगी तो हमको एक सुंदर सी को होस्ट लेके आएंगे मेरे लिए। सो आई थिंक मुझे डाला गया है क्योंकि लोग डरते हैं मुझसे, ऐसा मुझे कहा गया है। आई एम एक्चुअली अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी स्वीट, लेकिन थोड़ा मैं डेंजर टाइप भी हो सकती हूँ। तो द खतरा खतरा शो में मैं वीकेंड पे आऊँगी और बहुत सारे इनको टास्क दूंगी, बहुत सारे पनिशमेंट्स कराऊंगी और आई थिंक वीकेंड पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को लेकर आना भी मेरा जिम्मा है। एक्चुअली मैंने ये शो देखा था और ये बहुत पॉपुलर शो था, बहुत सक्सेसफुल शो था, बट व्हेन आई एंटर्ड द सेट जो पहले दिन से ही मुझे लगा कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरा शो है। आई वर्कड विद भारती एंड हर्ष, बहुत सारे शोज़ किए हैं हमने और बाकी के भी जो दो सेलिब्रिटीज़ हैं, बट इट वाज वेरी बहुत स्ट्रेस फ्री है, हंस रहे हैं पूरा दिन, साथ में खाना खा रहे हैं और बहुत अच्छी गेम्स ये लोग ने ईजाद की है। आई थिंक ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे हर वक्त एक्साइटमेंट का क्वेश्चन जो है टॉप पे रहता है एंड बस वही है, वी आर हैविंग लॉट ऑफ फन, बहुत मज़ा आ रहा है। मजा करने आया है। खतरे की शुरुआत तो हमने 7 महीने पहले शुरू कर दी थी, वो एक अलग तरीके का खतरा था और ये है द खतरा खतरा शो। बट ये थोड़ा फन वाला खतरा है, यहाँ पे बहुत एंटरटेनमेंट है, बहुत फन गेम्स है, यहाँ पे भारती है, हर्ष है, देन फरा मैम है, तो आई थिंक ये पूरा कॉम्बिनेशन बहुत माइंड ब्लोइंग है। हम दोनों वापस साथ में हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तक हमने शूट नहीं किया है लेकिन आई एम श्योर वन ऑफ द डेज विल शूट, बट इट्स फन। फरा यहाँ पे लाते चलाने वाली है तो प्रिपेयर हो? फरा मैम तो मस्त है एकदम, उनकी लाते भी एकदम रूही की तरह यार, लगती है मस्त है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन तो कैसा रह रहा है पूरा अभी तक कुछ शूट दोनों ने साथ में, लेकिन सिंगल अगर किया होगा तो क्या टास्क कैसे है, कैसे गेम्स है, कैसा? बहुत एंटरटेनिंग टास्क है, लाइक पिछले सीजन से ये सीजन बहुत अलग लेवल पे ऊपर गया है, बट टू एक प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आई थिंक यू शुड वॉच द शो, एवरीवन शुड वॉच द शो बिकॉज बहुत बहुत ज़्यादा अलग एंड बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है। प्रतीक मैं तो इतना बोलूँगा कि यहाँ पे जीतने की कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे मैं घर पे पहली मम्मी को बोल गया था मम्मा जीतूंगा नहीं तो भी कोई टेंशन नहीं है और यहाँ पे गिरना पड़ना है, मस्ती करना है, इट्स लाइक अबाउट एंजॉइंग, आप उस चीज़ को बस एंजॉय करो, फील करो उस चीज़ को, हंसी मजाक में लो एंड बहुत मस्ती है, मतलब बहुत मस्ती से भरा हुआ है शो। बिग बॉस के घर से मतलब वहाँ पर जो बॉन्डिंग थी वो अब बाहर निकल के कैसी है आप दोनों? वैसी है एक्चुअली। बिग बॉस के घर में हम बहुत बात करते थे रात को बैठ के, तब हमारा एक ही एम था कि ये शो जब ख़त्म होगा तो बाहर जाके बहुत अच्छा काम करना है और हम वही कर रहे हैं। हम लोग ये बिजी है, मैं बिजी हूँ, मैं मेरी चीज़ें कर रहा हूँ, अच्छे प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं जैसे द खतरा खतरा शो, बट हमारा जब भी हम फ़ोन पे व्हाट्सएप पे बात करते हैं हमारा सेम ही है, मतलब सेम वैसी जैसे हम थे। काफ़ी म्यूज़िक वीडियोस और काफ़ी दूसरी चीज़ों में भी आप लोग काफ़ी चीज़ें मतलब है पाइपलाइन में, और क्या क्या अभी खतरा खतरा के अलावा? आई थिंक मैं मतलब मेरे मम्मी ने कहा है कि जब चीज़ें बहुत सारी होती है ना, जब तक वो हो ना तब तक उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर वो कुछ हो जाता है, आई डोंट नो। और इसके पहले भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स वैसे चले गए, बट डेफिनेटली मैं मेरे सारे ऑडियंस को और फैंस को यही कहना चाहूँगा कि हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं पर आपको सून जल्दी पता ही चल जाएगा। मैं बस इतना बोलूँगा कि प्यार करते जाइए हमें एंड सपोर्ट करते रहिए क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम आपको एंटरटेन करने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं एंड आप भी हमें बहुत प्यार कीजिए एंड जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जस्ट और क्या? अच्छा, और बिग बॉस से और कौन कौन यहाँ पर खतरा खतरा में आप लोगों के साथ में आने वाले? आई थिंक सभी आएंगे, पिछले सीजन खुद ही आ रहे हैं, बिग बॉस खुद ही आ जाएंगे उठ के कि भैया सलमान सर भी आए, मतलब तो और धमाल हो जाए।